हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए कल भी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो जो ये टॉपिक चल रहा है माध्यम और तकनीक से ये संबंधित टॉपिक हमारा चल रहा है। देखिए कल मैंने इसके 25 क्वेश्चन कराए थे और आज भी इसमें 25 क्वेश्चन हैं। आप इनको ध्यान से सॉल्व करिएगा और ये क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से इनको पढ़िएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं। जब दीवार पर जो प्लास्टर करते हैं उस पर जब सूख जाता है तो उस पर चित्रण करने को क्या कहते हैं? फ्रेस्को ब्यूनो, म्यूरल, फ्रेस्को सेको या वॉल पेंटिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भित्ति चित्रण है, दीवार पर जो चित्रण है, वो उसकी जो होती हैं दो विधियाँ होती हैं। एक होती है फ्रेस्को ब्यूनो, दूसरी होती है फ्रेस्को सेको। तो इन विधियों में जो फ्रेस्को ब्यूनो होती है उसमें क्या किया जाता है, जब प्लास्टर जो गीला होता है, फ्रेस्को ब्यूनो में प्लास्टर गीला गीली भित्ति पर चित्रण कार्य किया जाता है। और दूसरी फ्रेस्को सेको में क्या होता है, जब प्लास्टर सूख जाता है, जब विशेष प्रकार से प्लास्टर जब सूख जाता है तो वहाँ पर फ्रेस्को सेको विधि में चित्रण किया जाता है। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि जो दीवार का प्लास्टर है सूख जाने पर उसके उपरांत जो चित्रण करना कहता है, क्या करने को क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम कौन सा है? तो कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम पूछा गया है आपसे। ए ऑप्शन है स्टिचिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग, प्राइमिंग। पेंटिंग, फ्रेमिंग, प्राइमिंग, स्टिचिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होता है, सबसे जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले स्टिचिंग की जाती है, फिर प्राइमिंग की जाती है, फिर उस पर पेंटिंग की जाती है, लास्ट में उसका फ्रेमिंग की जाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कैनवास है, कैनवास जो है तैल चित्रण का सबसे उपयुक्त धरातल माना जाता है। इस पर जो तैल चित्रण है वो बहुत अच्छे से होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? दीवार का, ताड़पत्र, कैनवास या ये सभी? तो आप सभी जानते हैं कि जो दीवार होती है दीवार पर भी चित्रकला की जा सकती है, ताड़पत्रों पर भी और कैनवास पर भी। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं चित्रण के लिए अच्छे एक धरातल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग उपलब्ध होते हैं, जल रंग उपलब्ध होते हैं केक के रूप में, बोतल में, ट्यूब में या ये सभी? तो जल रंग जो उपलब्ध होते हैं वो केक के रूप में भी होते हैं, जैसे कि जो टिकिया के आकार के आते हैं, साथ ही साथ बोतल में भी होते हैं, ट्यूब में भी आते हैं। तो इनमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग भी कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में जब वीडियो रुक जाती है तो उसमें बाद में भी आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, खनिज रंग में बाइंडर कौन सा मिला होता है? अलसी का तेल, प्राकृतिक ग्लू, तारपीन का तेल या कोई नहीं? तो खनिज रंग में जो बाइंडर मिला होता है वो क्या मिला होता है? प्राकृतिक ग्लू। प्राकृतिक ग्लू इसमें मिला होता है। देखिए ये गलत है, ग्लू हो यहाँ पर होगा। प्राकृतिक ग्लू में कौन सा आता है? जैसे कि गोंद होते हैं, तो गोंद ये भी एक क्या है? प्राकृतिक ग्लू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में कितने आयाम होते हैं? ठोस में 1, 2, 3 या 4? तो ठोस में क्या होते हैं, कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठोस क्या होता है? ये पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैल चित्र में आवश्यक नहीं है,
तैल चित्र में क्या आवश्यक नहीं है, चाकू है, पानी है, ईजल है या तारपीन है। तो तैल चित्र में जो आवश्यकता नहीं होती है वो किसकी नहीं होती, तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं पानी की आवश्यकता इसमें नहीं होती। देखिए ईजल, ईजल आप जानते हैं, आप ये मत समझिए जो ईजल होता है एक तरह का जल होता है। ईजल जो होता है एक स्टैंड होता है, देखिए इस तरह का स्टैंड होता है जिस पर चित्रकार जो है चित्रकारी करता है। इस तरह का आपने देखा होगा खड़े होकर जो चित्रकार चित्रकारी करता है, चित्र बनाता है इसे फ्रेम पर लगाकर, तो वह ईजल होता है। और तारपीन आप जानते हैं, तारपीन का तेल होता है, और चाकू भी आप जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि दीवार चित्रकला के लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है। दीवार, देखिए आपका आंसर क्वेश्चन में ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो दीवार चित्रकला के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है, दीवार का, ताड़पत्र का, कैनवास का या कागज़ का। तो आप जानते हैं कि दीवार के लिए कौन सा उपयुक्त सतह होती है, वह दीवार ही होती है। तो दीवार चित्रकला के लिए दीवार सतह का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है, वह तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल में बने चित्र जो होते हैं उनमें स्थिरता के लिए लगाया जाता है क्या होता है। तारपीन, फिक्सेटिव या कोलतार या इम्पेस्टो। तो जो तरल पदार्थ होता है, जो ऑयल पेस्टल चित्र होते हैं उनमें जो स्थिरता के लिए लगाया जाता है वो क्या होता है, फिक्सेटिव होता है। फिक्सेटिव क्या होता है, एक तरह का स्प्रे होता है जब चित्र, जो पेस्टल रंग से चित्र बनाए जाते हैं और उन पर जब उन्हें स्थिरता लानी होती है तो उन पर क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है जिससे वो चित्र स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर फिक्सेटिव उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को कहते हैं, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को क्या कहते हैं, कोलाज, बंधेज, नक्काशी या बाटिक। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बंधेज आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी बाटिक। बाटिक आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कपड़े पर मोम लगाकर चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बाटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नज़दीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है, ढलाई को, हैचिंग को, नक्काशी को या खुदाई को। तो जो नज़दीकी रेखाएं खींचकर, जो रेखाएं पास पास खींची जाती हैं वो उन रेखाओं से क्या होता है, तो छाया प्रकाश का प्रभाव वहाँ पर दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है, हैचिंग कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता देती हूँ, जो हैचिंग होता है जो पास पास रेखाएं खींची जाती हैं उनसे छाया प्रकाश की सृष्टि करना ही हैचिंग कहलाता है। और जो परस्पर काटती हुई रेखाओं का अंकन होता है, जैसे ये रेखाएँ हैं और ये रेखा इधर से काटती हुई जा रही है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्रॉस हैचिंग कहा जाता है, क्रॉस हैचिंग। अगला है कि जो बिंदु वर्तना, बिंदु वर्तना क्या होती है, जो छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा छाया प्रकाश देना अथवा रंग भरना बिंदु वर्तना कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला है कि इंटेग्लियो किसे कहते हैं, तो इंटेग्लियो होता है जो कास्ट होता है या कोई भी धातु होती है उस पर जो कोई भी आकृति होती है उसे, जो भारी हिस्सा होता है उसे खोदकर निकाल दिया जाता है और जो आकृति वहाँ पर बनती है उसमें रंग भरकर कागज पर जो छापा जाता है उसे क्या कहते हैं, इंटेग्लियो कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है, इम्पेस्टो तकनीक चित्रकारी से, मूर्तिकला से, छापा चित्र से या फोटो से। तो जो इम्पेस्टो तकनीक है वो किससे संबंधित है, चित्रकारी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्केच की विशेषता है, स्केच की क्या विशेषता है, स्वर पद्धति, निरीक्षण पद्धति, अनेक सीमांत पद्धति या तीव्र प्रभाव पद्धति। तो स्केचिंग कब की जाती है, कोई भी रेखांकन शीघ्रता से जब किया जाता है, कोई भी रेखांकन शीघ्रता से जब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्केच
कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तीव्र प्रभाव पद्धति जो होती है स्केच की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है कि चित्र भूमि किस प्रकार की होती है। चित्र भूमि एकायामी, त्रिआयामी, द्विआयामी या बहुआयामी। तो चित्र भूमि जो होती है वो कैसी होती है, द्विआयामी होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो ऑप्शन इसका आंसर दिया हुआ है आयोग ने ए माना है, जबकि इसमें ये ए आंसर गलत है। जो चित्र भूमि होती है वो दो आयामी होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का आभास होता है। अब आता है बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, एक्रेलिक रंग, मोम, तैल रंग या उपयुक्त सभी। तो जो बाटिक में प्रयोग किया जाता है क्या होता है, वह मोम का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्केचिंग है, स्केचिंग क्या है, आभासी रेखांकन है, त्वरित रेखांकन है, पूर्ण रेखांकन है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्केचिंग क्या होता है, तेजी से किया गया रेखांकन या शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केचिंग कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्यूरोस्कुरो है, क्यूरोस्कुरो क्या है, चित्र में श्वेत रंगों का प्रभाव है, चित्र में काले रंग का प्रभाव है या चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्यूरोस्कुरो क्या होता है, चित्र में छाया प्रकाश का जो प्रभाव दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्यूरोस्कुरो पद्धति कहते हैं। और इसका प्रयोग कब हुआ था, तो पुनर्जागरण काल में इसका प्रयोग किया गया था, आपको ये भी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है, वसली क्या है, वसली क्या है, वसली तकनीक है, पद्धति है, माध्यम है या धरातल है। तो वसली क्या होता है, वसली एक चित्रण का धरातल होता है जो कई कागजों की तह लगाकर एक जो है धरातल के रूप में उसे तैयार किया जाता है। कई कागजों को एक साथ चिपका दिया जाता है ऊपर नीचे करके, तो उससे क्या होता है एक धरातल बन जाता है, तो वही क्या होता है, वसली कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम है, तैल रंग है, पेस्टल है, जल रंग है या एक्रेलिक रंग है। तो जो शुष्क माध्यम है वो कौन सा है, पेस्टल रंग आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया, वैलिनी बंधु ने, वॉन आइक बंधु ने, करेची बंधु ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तैल चित्रण का आविष्कार था वो किसने किया था, जॉन वॉन आइक बंधु ने किया था। तैल चित्रण का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए जो भारत में तैल रंग का तैल रंग में जो चित्रण किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडे को किस माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तैल चित्र में, एक्रेलिक में, टेम्परा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जब जो अंडा होता है उसकी जो अंदर की जर्दी होती है उसमें विशेष प्रकार का एक क्या होता है माध्यम तैयार किया जाता है, वो किस में किया जाता है, तो टेम्परा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपके लिए ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं लाती हूँ, केवल 20 से 25 मिनट तक की वीडियो लाती हूँ यहाँ पर आपको। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ पर भी अपलोड नहीं हो पाती है जल्दी से, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हों, 20 से कम क्वेश्चन तो आपके ना हो, तो इसलिए मैं इतने क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ और ये वीडियो आपकी कम मिनट की होती हैं।
तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैम इतनी सी वीडियो लेके आती हैं और इतनी सी मिनट की। देखिए, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है जो अपने टाइम को वेस्ट करें, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं भी अपने टाइम को वेस्ट करूं। मैं केवल 20 से 25 मिनट आपके लिए निकालती हूँ। इसमें भी काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है अपलोड करने में, तो यहाँ पर इसीलिए यही कारण है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं इतनी मिनट के आपके लिए वीडियो ला पाती हूँ। अब देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोलाज है। कोलाज क्या है? धरातल पर मोम व रंग लगाकर चित्रण करना, या धरातल पर जल रंग का तेल रंगों द्वारा चित्रण करना, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना, या धरातल पर पोस्टर रंगों द्वारा चित्रण करना। तो इसमें कोलाज क्या होता है, इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना, तो यहाँ पर कोलाज कहलाता है। अगला प्रश्न है कि इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों का लगाना है, रंगों के माध्यम से धरातल पर पारदर्शी प्रभाव देना, या पेस्टल रंगों को पारदर्शी प्रभाव से लगाना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें इम्पेस्टो क्या होता है? इम्पेस्टो एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि अपारदर्शी होता है, जिसे धरातल पर चाकू की सहायता से लगाया जाता है। तो ये क्या होता है? एक धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों का लगाना, जिसे ये चिपचिपा एक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, धरातल पर जो सघन अपारदर्शी रंगों का लगाना होता है वह इम्पेस्टो होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि इस कला एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? माध्यम, छापना, नापना, तकनीक। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तकनीक इसे कहा जाता है, यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को तकनीक कहा जाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आप लोग शेयर तो करते ही नहीं हैं, क्योंकि चैनल पर बिल्कुल भी आप चैनल में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। देखिए, शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और चैनल में, जिससे कि चैनल में वृद्धि हो और लोगों को भी इससे क्या है, लाभ मिल सके। तो आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद।